हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयन पाठक और आज मैं एक नया सेगमेंट लेकर आया हूँ आपके पास, जो कि डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को एनहेंस करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके लिए एक रेड बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोज़ और करंट अफेयर्स के थ्रू अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 9th January। साल की शुरुआत में ही धमकियां मिलना शुरू हो गई थीं जब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ने परमाणु हथियारों की धमकी दी। इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक मीटिंग हुई है, जो कि वहाँ पर उन दोनों के बीच बढ़ते हुए तनाव को कम करने की दिशा में एक नया कदम बताया जा रहा है। वैसे तो ये मीटिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक के मद्देनज़र रखी गई है। इस बार के शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों को साउथ कोरिया के प्योंगयांग में 9 फरवरी से 25 फरवरी के बीच ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें नॉर्थ कोरिया के भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकें, इसी वजह से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई। ये 2 साल के बाद होने वाली मीटिंग है। ये एक सुपर कंप्यूटर है। ऐसा ही एक सुपर कंप्यूटर भारत ने भी बनाया है। इसका नाम रखा गया है प्रत्युष। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने भारत में बनने वाले प्रत्युष को दुनिया का सबसे तेज 4th नंबर का कंप्यूटर साबित किया है। इसकी गति 6.8 पेटाफ्लॉप है। इसे जलवायु और मौसम विभाग के लिए तैयार किया गया है। हरियाणा सरकार ने अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी तथा उन्हें साथ ही साथ उचित मार्गदर्शन भी मिल सके डिलीवरी से संबंधित। इस वजह से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे नीति आयोग और मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। गुजरात हमेशा ही पतंग महोत्सव के लिए हर साल जाना जाता है। हर साल उत्तरायण पर, मकर संक्रांति पर ये पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार ये पतंग महोत्सव गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टार्ट किया है, शुरुआत की है इसकी, जो कि मकर संक्रांति उत्तरायण तक चलेगा। भारत का दूसरा FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में बनना स्वीकार किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने लिया है। पहला FTII महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया था, अब ये दूसरा स्थापित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। सरकार का एक सराहनीय कदम है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक शिप लॉन्च किया है C-161, जिसे पोरबंदर गुजरात से कमीशन किया गया। पश्चिमी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक बलों का ये एक समुद्री बेड़ा है। भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले इससे पहले इकोनॉमिक रिलेशंस में सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, विदेशी मामलों के मंत्रालय में। वो आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इनकी जगह पर TS तिरुमूर्ति को अपॉइंट किया गया है, जो कि भारत के हाई कमिश्नर थे मलेशिया में। अब ये अगली खबर बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। जितने भी विकलांग लोग हैं, विकलांगों के विकास के लिए तेलंगाना सरकार ने एक नया नेशनल पार्क बनाया है, जो कि इंडिया का पहला राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है हैदराबाद में। इसको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अप्रूवल दिया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को ध्यान में रखते हुए एक नई हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिसे गुड़िया हेल्पलाइन का नाम दिया गया है। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस को अपना करके तुरंत एक्शन लिया जाएगा जहां पर भी कोई इस तरह की घटना सुनाई दी जाती है। अब आरबीआई ने 10 रुपए का एक नया नोट जारी किया है। ये भी महात्मा गांधी सीरीज़ का ही नोट होगा, लेकिन इस नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना होगा, साथ ही साथ स्वच्छ भारत का लोगो भी इसके ऊपर दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 7 जनवरी को 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए अमेरिका के लॉस एंजलिस में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सभी ब्लैक कलर्ड हैं, क्योंकि इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सभी अभिनेत्रियों ने मिलकर के ये विरोध प्रदर्शन किया कि इस बार सभी ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे। इस बार बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी को, जबकि महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गैरी ओल्डमैन को इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपना एक सरकारी प्रतीक जारी किया है, इसे ममता बनर्जी जी ने लॉन्च किया। इसके ऊपर सबसे ऊपर की तरफ अशोक की लाट बनी हुई है और नीचे विश्व बांग्ला का एक लोगो बना हुआ है। इस पूरे लोगो को पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपना सरकारी प्रतीक सिद्ध किया है। इस बार बच्चों के स्तर पर जो स्कूल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनमें एक प्रतियोगिता खेलो इंडिया को जारी किया गया है, और खेलो इंडिया का लोगो खेल मंत्रालय के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इनॉग्रेट किया। इस लोगो में फिटनेस और कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाया गया है, जो कि इस समय नए खून के लिए, नए पीढ़ी के युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक चीज़ है। इस बार टेनिस का होपमैन कप स्विट्ज़रलैंड ने जीता। स्विट्ज़रलैंड के रॉजर फेडरर और बेलिंडा बेंसिक ने जर्मनी को हराया। इस तरह से ये होपमैन कप जीतने वाले, फेडरर दो बार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया पर्थ में ऑर्गेनाइज किया गया था। थैंक यू। तो आज इतना ही, कल की अपडेट्स लेकर के मैं फिर आऊँगा, उसके लिए आप कल तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अपडेट्स के लोगों को बाहर से नहीं मिल सकते, वो तो न्यूज़ पे आते ही रहते हैं। न्यूज़ पे तो आते ही रहते हैं।